ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को वो हम आज रिड्यूस uh, करेंगे फॉर्मूला में ठीक है कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेक्सेन टाइम हेल्प इन ग्रेट डील टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस ठीक है रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट अगर हेल्प करता है तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस को रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेट करेंगे किस तरह से वो भी देखते हैं हमें पता है कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम इंटू ठीक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी से मूव करें वो होती है आपकी इक्वल टू चार्ज और नीचे इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम नाउ आपको पता है हमने करंट निकाला था लास्ट क्लास में ठीक है करंट और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से मूव करेंगे तो जो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला बनता था एन ए वी डी ठीक है ना एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ए होता था आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ई इज़ अगेन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड वी डी इज़ दी ड्रिफ्ट विलोसिटी नौ अब वी डी की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं इस फॉर्मूले से ठीक है तो हमारे पास बन जाएगा एन ए ई इंटू वी डी की जगह क्या डाल देंगे ई इंटू ई ई अपॉन एम इंटू टीक है तो हमारे पास जो फा फाइनल आई का फॉर्मूला बन गया वो बना एन ए e square capital e over m into tau right next है आपके पास e ठीक है इस e को अगर हम change करके लिख दें तो अगर हमारे पास electric field क्या है constant होती है ठीक है constant electric field है तो हमारे पास e is equal to बनता है v upon l ठीक है v is the applied voltage ठीक है या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ठीक है ना जैसे कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है और आपने इसके दोनों एंड्स पर एक बैटरी लगा दी तो ये बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है ठीक है और आपकी कंडक्टर की लेंथ अगर L है तो V अपॉन L जो बनता है वो क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये E को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे I के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा सो so, करंट बन गया आपके पास I इज इक्वल टू एन ए स्क्वा अपॉन एम ठीक है और E की जगह हम डाल देंगे V अपॉन एल इन टू ठीक है ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट है इसमें ओके नेक्स्ट हमने करंट निकाल दिया विद वोल्टेज अब देखो ये वोल्टेज जो है यहां पर कैसी है मल्टीप्लाई में मैं इस करंट के साथ अगर इक्वल uh, टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड में तो आई अपॉन वी आपका बन जाएगा एन ए स्क्वायर ओवर एम इंटू ओवर एम इंटू करंट बन गया आपका करंट अपॉन वोल्टेज, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस जो थी आर वी अपॉन आई होता था ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं आई अपॉन वी अगर ये है तो वी अपॉन आई क्या होगा ठीक है दोनों साइड आप क्या करो रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास बन गया एम एल अपॉन एन ए है रिलैक्सेशन टाइम इसको टाउ बोलते हैं ठीक है तो वी अपॉन आई क्या हो गया हमारे पास आर ठीक है तो हम इसको क्या लिख देंगे आर इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ए स्क्वायर टाव ठीक है और हमें क्या करना था रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स निकालने थे तो ये तो रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं आर इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए ठीक है A, ना रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रजिस्टिबिलिटी टाइम्स लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है तो कंपेयर करेंगे इससे रो एल अपॉन ए बिकम्स इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ ठीक है ए से ए कैंसिल एल से एल कैंसिल तो हमारे पास जो रो बचा वो आया एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू ठीक है तो क्या कहना है इसका कि रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी फर्स्ट हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है सेकेंड हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर दूसरा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर और तीसरा रिलैक्सेशन टाइम नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑल्दो ये आपका इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज मास ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है हाँ अगर आप कोई दूसरा पार्टिकल यूज करते हो जैसे इलेक्ट्रॉन की जगह आप प्रोटोन यूज करते हो या कोई और आयन होता है आपके पास उसका मास डिफरेंट आएगा ठीक है तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी लेकिन रेजिस्टिविटी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जितने ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी होगी कम रेजिस्टिविटी ठीक है ऑब्वियस है आप सोच सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए तो एक एंड से दूसरे एंड तक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के पहुँचने की ठीक है ना फिर चार्ज के इन्वर्सली प्रपोर्शनल ये भी आपका कॉन्सटेंट रहेगा अगर आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन ले रहे हो है ना इलेक्ट्रॉन के लिए आपका ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड नहीं करेगी ठीक है फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अगर आप कोई और आयन या कोई और पार्टिकल लेते हो तो डिफरेंस आएगा फिर रिलैक्सेशन टाइम इस पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम ओके